सूरज क्षितिज की गोद से निकला बच्चा पालने से, वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बारामदे में बैठा था, बच्चे ने दरवाजे से झांका, मैंने मुस्कुराकर पुकारा, वह मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गईं, कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर, मैंने गोद से उतार दिया। वह मेज का पाया पकड़कर खड़ा रहा, घर में न गया, दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का ये नया सामान था। वह उसकी तरफ लपका, चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब यह पर्दार खिलौना हाथ आ गया, बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई, निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई, बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोचे वाला सामने से गुजरा, बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों ज्यों खोचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गईं। यहां तक कि जब मोड़ आ गया और खोचे वाला आंख से ओझल हो गया तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीजें बच्चों को खाने नहीं देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी मां की अदालत में अपील करने की जरूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसी हालातों में मां से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख ना किया, दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई, उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गईं। एकाएक दरवाजा हवा से खुद बखुद बंद हो गया। पट की आवाज बच्चे के कानों में आई, उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा बंद दरवाजा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये Facebook पे सुन रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक करें।